वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद अनुभव। आज हम बनाएंगे अंगूर और साबूदाने की बिल्कुल स्पेशल रेसिपी, जो कि आप व्रत में भी खा सकते हो, बगैर व्रत के भी खा सकते हो, और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होती है। जहाँ तक कि अंगूर के फायदे सबको पता है, अंगूर के रस का नियमित सेवन करने से जो पेट की जलन होती है, गैस तकलीफ शांत होती है तथा पाचन में भी सुधार होता है। तो हमें अंगूर तो हमेशा अपने डाइट में शामिल करते रहना चाहिए, और प्रतिदिन अगर आप 100 ग्राम अंगूर खाने से ना हृदय की निर्बलता भी जल्दी दूर होती है, और रात को अगर सोते समय सोने से पहले आप अंगूर ये मुनक्का होता है ना उसको खा के अगर आप पानी पीते हो तो उससे भी बहुत शरीर के लिए लाभकारी होता है। तो ऐसे कई गुण होते हैं अंगूर के, और इसके नुकसान भी होते हैं। कोई भी चीज़ अगर हम ज़्यादा खा लेते हैं तो उससे हमें नुकसान भी हो सकता है, इसीलिए अपने शरीर के हिसाब से हमें सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। अंगूर अगर आप ज़्यादा खाते हो तो आपका वजन भी बढ़ सकता है, इससे कब्ज भी, अगर ज़्यादा खाने से इससे कब्ज भी हो जाता है। तो इसलिए हमेशा हमको हर चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे हम अंगूर लिए हैं, आप कोई भी अंगूर ले सकते हो, ग्रीन वाला ले सकते हो, ब्लैक वाला, जो आपको पसंद हो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। यहाँ पे तो अंगूर के तो फायदे सबको पते हैं, तो ऐसे हमने यहाँ पे इसको अच्छे से धुल के साफ कर लिया था, और उसके बाद धुलने के बाद हमने साबूदाने को भी ओवरनाइट रख दिया था। तो जहाँ तक कि ये शिवरात्रि का महापर्व आने वाला है, आप इसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो बना के, और बहुत ही हेल्दी होता है और टेस्टी तो होता ही है। तो हमने इसको अच्छे से धुल के साफ करने के बाद इसको छान लेना है एक बर्तन में, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी वगैरह है ना सारा अलग हो जाए। तो यहाँ पर हमने सारे को एक बर्तन लिया है, और एक बड़ी सी छन्नी लेके हम जितना भी हमारा साबूदाने के अंदर पानी है ना उसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें पानी की हमें ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये अच्छे से फूल चुका है, इसको 3 से 4 घंटे के लिए आप भी भिगो कर रख दे तो ना, तो उसमें भी ये अच्छे से फूल जाता है, लेकिन अगर ओवरनाइट रखते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है और सॉफ्ट पड़ जाता है। तो हमने इसको अच्छे से धुल के साफ कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर यूजफुल लगे तो शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने पानी को अलग कर दिया, यानी छन्नी में छान के इसको अलग कर दिए हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपके फैमिली मेम्बर के हिसाब से आप देख सकते हो, कम ज़्यादा यहाँ पे ले सकते हो। तो हमारे पास जितना ज़रूरत था हमें उतना हमने यहाँ पे ले लिया है, और सारे को उसी बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। मिक्सिंग बाउल हमने लिया है, उसमें हमने सारे को ट्रांसफ़र कर दिया, और अब हम जो अंगूर हैं इनको हम एक मिक्सर जार में डालेंगे, और सारे का पेस्ट बनाकर हमें तैयार करना है। आप इसको पूरा इसमें हम डाल दे रहे हैं मिक्सर जार में, और उसके बाद हम इसका पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। फिर आपको दिखाते हैं कि हम क्या बनाने वाले हैं, जो कि बहुत टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। तो व्रत वगैरह में होता है कि प्यास ज़्यादा लगती है, और बहुत लोगों को तो बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, तो इस रेसिपी को खाने के बाद आपको ये सारी चीज़ें नहीं झेलनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हमने सारे को मिक्सर जार में डाल दिया है, और इसका आप पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है, और अब हम इसी में डाल दे रहे हैं। इसको छानना नहीं है, इसका पल्प अलग नहीं करना है हमें, पूरा हम इसमें डाल दे रहे हैं साबूदाने के अंदर। तो यहाँ पे हमने सारे पल्प को डाल दिया साबूदाने के अंदर, और उसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। पूरा जो हमने पल्प बनाकर तैयार किया था उसको हमने मिक्स करना है इसमें, इसके अंदर साबूदाने के अंदर हमने इसको डाल दिया। उसके बाद अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे, जो कि आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने कुछ मसाले वगैरह चाहिए, तो यहाँ पे हमने पहले डालेंगे थोड़ा सा, आप यहाँ पे कुट्टू का आटा भी डाल सकते हो जो आप व्रत में खाते हो। अगर व्रत में नहीं खाते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मैदा भी डाल सकते हो, सूजी भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो जो आपको पसंद हो। अगर आप व्रत में खाते हो तो आप इसमें सिंघाड़े का आटा ही डाल देते हो। यहाँ पे मैंने सिंघाड़े का आटा डाला, क्योंकि हम लोग व्रत के लिए बनाते हैं तो सिंघाड़े का आटा ही डालते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंघाड़े का आटा डाल दिया, और उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे कुछ और सब्जियाँ। तो यहाँ पे हमने व्रत में तो ज़्यादा सब्जियाँ वगैरह चलती नहीं है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च ली, थोड़ी सी लाल मिर्च ली, और थोड़ा सा लिया हमने धनिया पत्ता, थोड़ी सी लिया गाजर, और थोड़े से जीरे, और थोड़ा सा लिया सेंधा नमक। बस इतना ही सामान हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे उबले हुए आलू या तो कच्चे आलू का भी यूज कर सकते हो, लेकिन हमने नहीं किया, हमने यहाँ पे इतना ही सामान डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो कुछ आप व्रत में इस्तेमाल करते हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो।
तो हम बस इतनी चीज़ डालेंगे और सारे को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम दिखाते हैं आपको। तो सारा सब्जियां वगैरह हमारी सब मिक्स हो चुकी हैं। और बताया ना मैंने यहाँ पे आप उबले हुए या कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं किया है। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो यहाँ पे जो आपको पसंद हो। मिर्ची भी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अदरक ले लिया, अदरक को भी कद्दूकस करके हमने डाल दिया है क्योंकि अदरक से टेस्ट बढ़ जाता है। और इसमें मसाले वगैरह तो पड़ते नहीं व्रत में, तो थोड़ा सा अदरक भी ज़रूरी होता है। इसे सारे को हम अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने लिया है देसी घी। और फ्रेंड्स ये मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको देसी घी से ही बनाएं, क्योंकि ये थोड़ा ऑयल ज़्यादा इसमें लगता है ना, तो ज़्यादा ऑयली हो जाएगा तो वो हमें व्रत में खाली पेट नुकसान भी कर सकता है। तो हम इसको घी से बनाएंगे ना तो ये हेल्दी भी रहेगा, टेस्टी भी रहेगा और आप इसको खा सकते हो आसानी से, क्योंकि इसमें थोड़ा घी है ना ज़्यादा लगता है। आप इसको बटर से भी बना सकते हो जो आप व्रत में खाते हो। कोई भी कुकिंग ऑयल डाल भी सकते हो जो आप व्रत में इस्तेमाल करते हो, मूँगफली का तेल कुछ भी आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारी क्रिस्पी से टिक्की कुछ भी बोल सकते हो आप, ये बनकर तैयार है, जो कि अंदर से सॉफ्ट बाहर से बहुत ही करारे बने हुए थे। आप इसको चाय के साथ, चटनी के साथ, जिसके साथ आप खाना पसंद करते हो आप खा सकते हो। और